अरे ये क्या कर रही हो तुम? अब पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? तुम रुको, मेरा सारा खाना जला दिया और मेरी शराब। हाँ, सारी शराब जला दी। मेरी शराब क्यों जलाई? एक, क्योंकि वो एक ऐसी वाहियात चीज है जो एक इज्जतदार आदमी को भी बदमाश बना देती है, और दो, ये आग का धुआं 1000 फुट ऊंचा है। वहाँ शाही नौसेना मुझे ढूंढ रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी नजर मुझ पर ना पड़े। पर शराब क्यों जलाई? देखते जाओ कप्तान स्पैरो, 1 घंटे में या शायद 2 में तुम्हें सामने से शाही नौसेना के जहाज आते हुए दिखाई देंगे। साला दारू के बगैर कैसे होगा? कप्तान स्पैरो, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना? साला बुरा लग रहा है मेरे को। इसका अंदाजा तो बिल्कुल सही निकला। विल को बचाना ही होगा। नहीं, तुम महफूज हो। हम तुरंत पोर्ट रॉयल लौट जाएंगे। हमें उन लुटेरों से पंगा नहीं लेना। तो हम उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? हम उस लड़के की तकदीर नहीं बदल सकते। वैसे भी उसने खुद एक लुटेरे की जिंदगी चुनी है। सिर्फ मुझे बचाने के लिए मेरी खातिर वो एक लुटेरा बना। मेरे ख्याल से भाई लोग, आप लोगों को एक लुटेरे की राय लेनी चाहिए। पर्ल जहाज काफी तबाह हो गया था, इसलिए उसका ज्यादा तेज रफ्तार से चल पाना नामुमकिन। ध्यान से सोचिए, ये ब्लैक पर्ल आखिरी लुटेरा जहाज है इस पूरे समुद्र में, और इसे पकड़ने का आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मैं शाही नौसेना के लिए काम करता हूँ मिस्टर स्पैरो, अपने लिए काम नहीं करता, समझे तुम? कमोडोर, मैं भीख मांगती हूँ, उसे बचा लीजिए मेरी खातिर, शादी का तोहफा समझकर। एलिजाबेथ, तुम शादी के लिए हाँ कर रही हो ना बेटा? हाँ पिताजी। अरे शादी, मुझे शादी बहुत पसंद है, इसी नाम जाम पिलाओ। जानता हूँ, हथकौड़ी पहनाओ उसे, है ना? मिस्टर स्पैरो, हमारे इन सिपाहियों के साथ जाओ और उन्हें मौत के टापू के बारे में पूरी पूरी जानकारी दे दो, और उसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता, ठीक है? तुम पूरे सफर में अपना मुंह बंद रखोगे, क्या तुम मेरी बात समझ गए? अच्छी तरह समझ गए हैं।